ये कराची की कदीम मछली मार्केट है, जहां मुख्तलिफ इलाकों से शहरी बड़े शौक से सी फूड का जायका चखने आते हैं। केमाड़ी की इस मार्केट में कई इकसाम की ताज़ा मछली और झींगे दस्तियाब हैं। महंगाई की वजह से मछली महंगी जरूर हुई, लेकिन खुश खुराक अफराद का जज्बा बरकरार है। मछली फरोख्त करने वाले कहते हैं कि पहले की निस्बत रौनक कुछ कम है, लेकिन फिर भी अच्छी गुजर बसर हो रही है। सर्दियों में ज्यादातर आते हैं, गर्मियों में थोड़ा कम हो जाता है। उसके हिसाब से 12 महीना मार्केट सही रहती है। कारोबार में तो फर्क पड़ा हुआ, क्योंकि मछली बहुत महंगी है ना, गरीब बंदा कहाँ से ले सकता है। यहाँ मछली खाने वालों का कहना है कि ताज़ा मछली बहुत लुत्फ देती है। बढ़ती हुई कीमतों पर परेशानी तो होती है, लेकिन जायकेदार मछली इन्हें यहाँ आने पर मजबूर कर ही देती है। वैसे खाने का चीज़ है, सर्दी में लोग ज़्यादा आते हैं, और उसके बाद ये कीमतें बहुत आसमान पे बातें कर रहे हैं, समझ से बाहर है। अगले हफ्ते आए तो 400 किलो तो अभी है, तो 550 रुपये किलो पहुँच गए। कहीं शहरी दोस्तों के साथ यहाँ फ्राई मछली खाने आते हैं, तो इसके साथ साथ मार्केट में ताज़ा मछली भी फरोख्त की जाती है, जो शहरी घर ले जाकर पकाते हैं। मछली के शौकीन अफराद आज भी बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं, ताहम महंगाई ने इन्हें भी मुतासर कर दिया है। कैमरामैन मुइन अहमद के साथ शफी बलोच, समा, कराची।